जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया था, कमांडो ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग की पीपीटी मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा और आपको फील कराऊंगा कि कमांडो ट्रेनिंग ने कैसे इतिहास रचा, कैसे रेनेटस वेलनेस ने 154 करोड़पति बना दिया और कैसे 3 सालों में ये सारे लिविंग लेजेंड पर्सनालिटीज एक ही मंच पर इस अंदाज से दहाड़ पा रहे हैं। ये रीजन है, इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का ये कॉम्पोजिशन जो आपके समक्ष एक डब्बे के स्वरूप में मौजूद है, जिसे बनाया किसी इंसान ने नहीं है, पहचाना इंसान ने है, बनाया परवरदिगार ने है, परमेश्वर ने है। कहने का तात्पर्य है ये वो प्राकृतिक तत्वों का कॉम्बिनेशन है जिन प्राकृतिक तत्वों की वजह से इंसान जी उठता है, यानी कि फ्रूट रूट बेरी चेरी मशरूम लीफ का वो कॉम्पोजिशन जो विटामिन मिनरल एंजाइम फाइबर की जो जो जरूरत है ह्यूमन बॉडी की, उन जरूरतों को ये पूरा कर सकता है, उसे ये सप्लाई करता है सेलेक्टेड 9 इंग्रेडिएंट की बदौलत। पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, जो विटामिन B9 की संरचना की बदौलत, जेनोथॉर्म्स की बदौलत, कैसा भी स्किन से रिलेटेड चैलेंजेस उसको ये क्योर करने की एबिलिटी रखता है, दांत खाद खुजली उसको ये ठीक कर सकता है, साथ ही साथ इसके अंदर की कैपेबिलिटी की बात करूं तो ये कैंसर से भी लड़ने की ताकत रखता है। मकारूट विटामिन B6 की संरचना की बदौलत और सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन यानी कि जेनोथॉर्म्स की मदद से, सियानोडीन की मदद से और क्लोरोजेनिक एसिड के कॉम्पोजिशन की मदद से ये इंपॉर्टेंसी प्रीमेच्योर एजेकुलेशन नाइटी मिशन जैसी कंडीशंस में भी बहुत अच्छा काम करता है। साइबेरियन जिनसन की बात करूं तो विटामिन डी के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन और विटामिन B12 के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन की वजह से यह भी अद्वितीय अकल्पनीय घुटने से रिलेटेड चैलेंजेस को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं, सर्दी खांसी बुखार जुकाम किसी प्रकार के चैलेंजेस को एल्डरबेरी प्रॉपर वे में क्योर करने की एबिलिटी रखता है। रॉसबेरी की संरचनाओं की बात करूं तो रॉसबेरी भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है, जो बुढ़ापे में जवानी का एहसास कराता है। अभी आपने देखा था ना रिसेंटली जसवीर सिंह जी सिक्सर, वो सिक्सर कहां से आ रही थी, वो सिक्सर की ताकत कहां से डेवलप हो पा रही थी, रेनेटस वेलनेस न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट, नेचुरल फूड सप्लीमेंट, भारत का पहला सप्लीमेंट जिसने मैसेज करा दिया लोगों को उच्चतम गुणवत्ता हम देंगे, सबसे सस्ते दरों पर देंगे, दम है तो मुकाबला करके दिखाओ। ना प्लान में कोई टिक पा रहा है, ना प्रोडक्ट में कोई टिक पा रहा है। ज्ञान देने वाले तो कल भी ज्ञान देते थे, ज्ञान देने वाले तो आज भी ज्ञान देते हैं, जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो बागड़ बिल्लों के चक्कर में आकर लुट गए, वो भी तो कल ज्ञान दिया करते थे। सबसे हैरानी की बात ये होती है ना कि जब लुटने वाले होते हैं ना लोग, तो उनको सारी बातें सही लगती है। आज के डेट में क्रिप्टो 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 क्रिप्टो, कल बताया था ना भाई साहब ने, काका जी ने क्या सिखाया था कि अगर अल्पावधि में कामयाबी के चक्कर में पड़ोगे तो ना जाने कहां पहुंचोगे, ये सोच भी नहीं सकते आप। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने का मौका है, बहुत बड़े लेवल पर आप पहुंच सकते हो। यहां खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे दोस्त, पाने के लिए पूरा जहां खाली है। रसबेरी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, साथ ही साथ ये डेंगू कंडीशन में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का भी कार्य करता है। ब्लैक करंट ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 का बेसिक कॉम्पोजिशन जो जिंदगी को एकदम अलग तरीके से जीने का आपको रास्ता दे सकता है। पैरालिसिस में, ट्यूबरकुलोसिस में, डायबिटीज टाइप 2 में ये बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये दवाइयां नहीं है। शॉर्ट थेरी की बात करूं तो सियानोडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का ऐसा कॉम्पोजिशन जो जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात की ये भी दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। ग्यानोडर्मा लुसिडियम के कॉम्पोजिशन को आप गौर से देखें, ये कैंसर डायबिटीज लीवर से रिलेटेड चैलेंज को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। सिगरु 4000 वर्ष पुराना इतिहास रहा है, विटामिन ए बी सी डी ई की सारी संरचनाएं इसके अंदर मौजूद हैं। और सबसे मजेदार बात कि 200 से ज्यादा बीमारियों पर काम करता है नेचुरल वे में। जिस प्रकार आप हल्दी का प्रयोग करते हैं गंभीर से गंभीर चोट पर, जिस प्रकार आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं सर्दी खांसी बुखार पर, उसी प्रकार ये नेचुरल रेमेडीज है और 200 बीमारियों को क्योर करने की एबिलिटी रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भी दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। कैसा लगा ये इंफॉर्मेशन? ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट मैं बता रहा था, प्रोडक्ट नहीं। बड़े बड़े कंपनियों में चले जाओ आप, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जब एक सर्दी खांसी बुखार की बात करोगे ना, तो 4 सप्लीमेंट थमाते हैं और कहते हैं कि 7000 का बिल बन गया भाई साहब, आपको लाना पड़ेगा। 8000 का बिल बन गया, आप पूछते हो कब तक खाना है, तो सामने वाला एग्जाम्पल देता है कि दाल भात और रोटी कब तक खाते हो, दाल चावल कब तक खाते हो, आप कहते हो भाई जीवन भर खाता हूं, वो भी कहता है जीवन भर। रियलिटी ये है कि आप अगर 7000 8000 5000 का प्रोडक्ट अगर जीवन भर खाने का संकल्प लोगे, तो 2 महीने 3 महीने में आपका कपड़ा निकलने लगेगा, आपको लगेगा मैं 7000 का फूड सप्लीमेंट क्यों खा रहा हूं। लेकिन आप देखिए, अगर आपको पता चले कि 1350 रुपए में 1 महीने कोई खा सकता है
और वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन, सारे विटामिन मिनरल एंजाइम फाइबर जो बेसिक न्यूट्रिशन की नीड है, अगर वो पूरी मिल जाए तो कैसा मजा आएगा, समझ रहे हैं आप, एक ही बॉटल में 10 तरीके के इनकम। 100 ट्रैक में लोगों को मैं मना करता रह गया हूँ, भाई तू मत जोड़, तू मत जोड़, स्लो ट्रैक से ही तू जोड़, फास्ट ट्रैक इतना जल्दी मत पकड़। तो लोग कहते हैं अगर रेनेटस में 154 करोड़पति इतने फास्ट बन सकते हैं तो सर आप मुझे फास्ट जाने से क्यों रोकते हो। अरे मैं फास्ट जाने से आपको नहीं रोकता, मैं फास्ट जाने से आपको नहीं रोकता, मैं आपको इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेटिक वे में लेके कनेक्ट करने के लिए रोकता हूँ कि अगर इंफॉर्मेशन सॉलिड नहीं है और फास्ट ट्रैक कूदोगे तो फिर खुद में डिमोटिवेट भी हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि पढ़े लिखे होते हैं, जैसे आज की ट्रेनिंग आपने सुना, आपको समझ में आ गया कि मैंगो शीन क्या कर सकता है, आपको समझ में आ गया कि माकारूट क्या कर सकता है, रॉसबेरी क्या कर सकता है, ह्यूमन नीड है, हर घर में बीमार है, हर घर में बेरोजगार है, आपको समझ में आ गया। तो पहले दिन से ही बहुत सारे लोगों को मैं रोकता हूं, लेकिन पहले दिन में ही 40 मॉडल कर लेते हैं। आप भी करोगे, यकीनन करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है 20-30-40 लोगों को तो एक एक बोतल आप यूं ही दे दोगे इसकी गुणवत्ता को समझने के बाद, और जैसे ही एक एक बोतल आपने दे दिया आपका काम हो गया, क्योंकि 40 बोतल के बाद कभी भी इस कंपनी ने आपको 41वां बोतल खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया है, टीम से कमीशन लेने के लिए 2 बोतल के बाद भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जिंदगी जीने का हर लम्हा मौका आपको मिलता है। शुरुआती दौर में 1000 रुपए भी आप कमाओगे, शुरुआती दौर में 2500 रुपए भी आप कमाओगे, शुरुआती दौर में 7800 रुपए भी आप कमाओगे, देखते देखते स्लो ट्रैक से भी आप बढ़ोगे तो फर्स्ट ट्रैक पर पहुंच जाओगे 7800 रुपए में, और जैसे थोड़ा और मेहनत करोगे तो 10000 रुपए वीकली तक पहुंचोगे, 45 दिन अगर थोड़ा तबियत से मेहनत कर लोगे आप तो 30000 रुपए वीकली तक आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव पे 55,000 से 75,000 रुपए वीकली, और देखते ही देखते 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली भी आपका रीजनल एग्जीक्यूटिव पे आना स्टार्ट हो जाएगा। इलीट जैसे ही बनते हैं तो 4 लाख से 5 लाख रुपए वीकली, सीनियर इलीट पे 7 लाख से 9 लाख रुपए वीकली, रीजनल इलीट पे आप 20 लाख से 25 लाख रुपए वीकली कमा सकते हैं, और फाउंडर पे 25 से 30 लाख रुपए। हम रिट्रीट ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत बड़े लेवल पे, सिर्फ 200 बॉटल का बिजनेस पूरी टीम से कंबाइनिंग में, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अभी हम लोगों ने हयात में ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी के साथ में बहुत बड़ा रिट्रीट ऑर्गेनाइज किया था, और अभी उससे थोड़ा दिन पहले 45,000 सीसी जिन लोगों ने 180 दिनों में यानी कि 6 महीने में कंप्लीट किया था उनको हम लोग दुबई लेके गए थे, और उसके बाद अभी मौका है अलमाटी, सिर्फ 1,45,000 सीसी। भारत के इतिहास की पहली कंपनी जो साल में 4 डोमेस्टिक रिट्रीट देती है, भारत के इतिहास की पहली कंपनी जो साल में 2 इंटरनेशनल बड़े लेवल की रिट्रीट देती है, और रिट्रीट में जी लो अपनी जिंदगी, जियो जिंदगी शान से, वो वाली बात होती है। तो ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए, जो सारे रिट्रीट्स को अचीव करते हुए आए हैं, जिनकी मुखारविंद से निकलने वाली एक एक शब्द आपको एहसास करा देगी आपकी जिंदगी के बारे में, जिनके एक एक शब्द आपके मुकद्दर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिनके एक एक शब्द आपको योद्धा बना सकते हैं, जिनके बताए गए एक एक सिद्धांत आपको दुनिया में कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं हरजीत ब्रार साहब की, हरजीत ब्रार जो आज आपको सिखाएंगे बताएंगे, और मैं तो बस इतना ही कहता हूं भाई मूछे हो तो ब्रार साहब जैसी वरना हो ही ना, है ना। तो मुलाकात करते हैं देर ना करते हुए, पूरा हिंदुस्तान स्वागत करे उनका, आप कमेंट के ऑप्शन में उनका स्वागत कर सकते हैं। ब्रार साहब स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पाठक जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले दोस्तों रॉकिंग रिनेटर्स, गुड इवनिंग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे और अपने घरों में कई कुछ लोग फील्ड में होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कमांडो ट्रेनिंग के फाउंडर मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी का, जिनकी बदौलत आज आप सबको दोबारा से मिलने का फिर मौका मिला, आप सबके रूबरू होने का मौका मिला। और दूसरा सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे जो कंपनी के फाउंडर मिस्टर सुनेकर नायक जी, जिनकी बदौलत आप सबके सामने बार बार आने का, सबको मिलने का, किसी इवेंट में मिलने का, दुबई में मिलने का, और किसी रिट्रीट में मिलने का, और कंपनी से अच्छी अर्निंग कमाने का, अच्छा प्रोडक्ट फील करने का मौका मिला, उनका बहुत बहुत थैंक्स। उसके बाद मैं इंडिया की फास्ट आईडी मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी का भी थैंक्स करता हूँ, और मैं थैंक्स करता हूँ सर्वोदय दत्ता सर का, जिनको हम प्यार से सभी लोग दादा बोलते हैं, जिनकी ट्रेनिंग की बदौलत, जिनकी एजुकेशन की बदौलत, जिनके जज्बे की बदौलत, जिनकी हिस्ट्री की बदौलत बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हुई है, करोड़ों लोग आज अपने मकाम को हासिल कर चुके हैं, करोड़ों लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं,
और सोच नहीं सकते आप कितनी अच्छी लाइफ लोग सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ तपस विश्वास जी का, उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सुमित देवनाथ जी का, और उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे स्पॉन्सर मिस्टर गुरतेज सिंह जी, नॉर्थ इंडिया टॉप अचीवर बठिंडा, जिन्होंने मेरी टोटल लाइफ जो है वो चेंज कर दी। एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से एक आदमी जो आपके सामने आज बोल रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो छत चीती थी कभी टाइम से, काफी टाइम जो बारिश होती थी तो पानी पहले आ जाता था। इन हालातों से निकल के आज अगर मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करूं, अगर मुझे लगता है कि परमात्मा, हम सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा किसी न किसी इंसान के थ्रू आपको मिलता है, तो मेरी जिंदगी में मेरे लिए मेरे परमात्मा मिस्टर गुरतेज सिंह जी बठिंडा है, जिनकी वजह से मैं आज एक ऐसे मुकाम पे चला गया, एक ऐसे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूं। अमीर से ज्यादा मैं आज अर्निंग कर रहा हूं, सोच से ज्यादा मैं अर्निंग कर रहा हूं, और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से मैं अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा हूं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो 10 में से 3 बार जिसकी सप्ली आई, जिसे हम कंपार्टमेंट बोलते हैं पंजाबी में, उस टाइम कंपार्टमेंट बोला करते, और ऐसा शख्स जिसको ना तो इंग्लिश आती है ना मैथ आता, लेकिन फिर भी उसके पास जिंदगी जीने का कोई भी मकाम नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के बिना। अगर मेरी लाइफ में नेटवर्क इंडस्ट्री ना आती, नेटवर्क मार्केटिंग ना आती, तो मैं कभी काफी बार सोच के डर जाता हूं कि मेरी जिंदगी कहां पे होती, मैं कहां होता आज। जैसी लाइफ में आज सर्वाइव कर रहा हूं, क्या ऐसी लाइफ में कभी सर्वाइव कर पाता? क्या मैं सोच सकता गाड़ी पे घूमने की? क्या मैं सोच सकता कि अच्छी ड्रेसिंग सेंस पाने की? क्या मैं सोच सकता कि जो कुछ मैं आज अपने घर में धीरे धीरे करके फैसिलिटी दे रहा हूं, मैं सोच भी नहीं सकता था इन चीजों की। अमित से ज्यादा रिनेडस वेलनेस ने और मिस्टर गुरदेव सिंह जी की बदौलत मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ। तो दोस्तों आज का ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि स्टोरी जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आते हैं उनकी स्टोरी करीब करीब सेम होती है, सभी लोग जीरो से हीरो बनते हैं, आप सबको अच्छी तरह से ये पता है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन कुछ वैल्यूएबल वर्ड्स मैं बोलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये बोले हुए मेरे वर्ड बहुत सारे लोगों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने मुकाम तक ले जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हर पतंग को एक दिन, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान को छूकर दिखाना होता है। और हमें भी इस चीज का पता है दोस्तों कि जो भी आदमी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन खाक में मिल जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन दोस्तों ऐसी जिंदगी जी लो कि आपको ये दुनिया याद करे, आपको आने वाली पीढ़ियां याद करें कि कुछ ऐसा हमारे बड़ों ने कर दिया कि जिनकी वजह से हमारी लाइफ आज हमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता, आज हमें ज्यादा ज्यादा जो है वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, हमारे पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पहले से है जो हमारे पुरख हमारे लिए कर गए। तो इतिहास बनाना है दोस्तों, मर सबने जाना है। मैं कहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका इतिहास इतना बड़ा अल्टीमेट हो सकता है। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम इस इवेंट को सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम कमांडो ट्रेनिंग को सुन रहे होंगे, जो किसी ना किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिंदगी में मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को 20 साल दिए हैं अपनी जिंदगी, लेकिन जो पिछले 9 मंथ में हो गया वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ। इसीलिए जितने भी लोग नए आज यहाँ पे इस इवेंट को देख रहे हैं, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको जिस भी इंसान ने यहां पे बुलाया है, आज जिस भी इंसान ने बोला है कि भाई तुम मेरे कहने पर रिनेटस वेलनेस का एक कमांडो ट्रेनिंग अटेंड कर ले, मैं कहता हूं उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करो, उसके साथ बैठ के अच्छे से प्लान को समझो, कहीं वो ना हो कि आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछे कि पापा आपने उस कंपनी को साइन नहीं किया, पापा आप कौन से कामों में लगे रहे। जब रिनेटस वेलनेस ने 3 साल के अंदर 152 करोड़पति पैदा कर दिए थे, तो आपको फिर भी समझ नहीं लगी।
कि हाँ इस कंपनी के अंदर काम कर लेना चाहिए जहां पे लोग ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो काफी बार क्या होता है दोस्तों, आप ऐसा काम करके जाओ अपनी जिंदगी में कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि कुछ पागल लोगों की फौज ने एक बीड़ा उठाया और भारत की इकोनॉमी को बदल डाला। वो सब लोग आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में मिलेंगे और वो सब लोग आपको ऑनली मनी नेट में मिलेंगे, जो लोग इतिहास बनाएंगे, इतिहास लिख रहे हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है कि उस इतिहास में आप सभी लोग शामिल हो जाओ। अपने को जिस इंसान ने यहाँ पे बुलाया उसके साथ बैठ के उसको समझो, ध्यान से समझो कि एक प्रोडक्ट से इतना बड़ा काम कैसे हो गया। ध्यान से समझो उससे कि ऐसा कैसा प्लान है जो बिना किसी कंडीशन के चलता है। आपको कोई मंथली परचेजिंग नहीं करना, सोच भी नहीं सकते आपको इतना बड़ा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और दोस्तों बहुत सारे जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में फील्ड में निकलते हैं, बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री को, तो दोस्तों आपको बहुत ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो बोलते हैं कि दोस्त पैसे क्या करने हैं, ये तो एक मोह माया है, पैसों की क्या जरूरत है, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, क्यों चक्कर में पड़े हो, क्यों इतना हार्डवर्क, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे और कुछ लोग तो ऐसे ज्ञानी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि नेपोलियन भी इस दुनिया से खाली हाथ गया है। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया पूरी दुनिया को जीतने के बाद, और आपने सर उनको एक ही बात बोली कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी जितना पैसा मेरे नाम कर दो, आपको भी तो खाली हाथ जाना है। रियल में बात यह नहीं है, बात यह है कि जो इंसान ऐसे वर्ड बोलता है वो अपनी जिंदगी में थका हुआ हारा हुआ इंसान होता है, वो कमजोर इंसान होता है, ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता जो इंसान, वो वही लोग होता है, ये कमजोर लोगों की बातें। ऐसा जिंदगी में कभी भी जो इंसान बोलता है वो इंसान आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, आपकी फैमिली के सपनों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होगा वो इंसान। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी तो पैसा है हमारे पास, हमें काम करने की क्या जरूरत है, हमारा तो अच्छा सा खासा काम चल रहा है, हमें क्या जरूरत है काम करने की। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, बिल गेट्स की अगर मैं बात करूं तो बिल गेट्स आज क्या अपने लिए काम करता है? नहीं। टाटा क्या आज अपने लिए काम करता है? नहीं। अगर मैं बिल गेट्स की बात करूं दोस्तों तो बिल गेट्स अपना बहुत सारा पैसा जो है वो क्या करता है, मुरिंडा गेट्स एक उनकी एक संस्था है, फाउंडेशन है, जिसके तहत वो बहुत सारा पैसा जो 80% पैसा है अपनी इनकम का वो दान कर देता है। और सोचो उस पैसे से कितने घर चलते होंगे, सोचो उस पैसे से कितने लोगों के घर पे खुशियां आती होंगी। और टाटा, आप सभी लोग जानते हो कि टाटा अगर अपनी इनकम का दान ना करें, अपनी इनकम का परसेंटेज ना दान करें तो एशिया का नंबर वन आज टाटा होगा, ये आप सबको पता है। लेकिन वो इंसान अपने लिए काम नहीं करते आज, वो इंसान क्या करते हैं, वो इंसान डोनेट करने के लिए काम करते हैं दोस्तों। और आपको भी मैं यही बात कहनी चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरे लोगों की जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दो आज और उनसे पूछना हो कि तेरे पास डोनेट करने के लिए क्या है, कि तेरे पास बहुत पैसा हो गया तू काम नहीं करना चाहता, तो उससे पूछो कि तेरे पास डोनेट करने के लिए क्या है, उसको बोल कि तुम्हें डोनेट की जरूरत है, जैसे बातें कर रहा था। तो इसीलिए जिंदगी में अगर आपके पास पैसा भी ज्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, किसी फ्रेंड के कहने पर वो इस मीटिंग को, इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप क्या करोगे, आप लोगों को दान करने के लिए, लोगों के घर में खुशी लाने के लिए, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए ये नेटवर्क इंडस्ट्री को साइन करो, बेनेटस वेलनेस को साइन करो दोस्तों। उसके बाद मैं एक बात आपसे और करनी चाहूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि आज तक आप कितने सफल हुए, ये फर्क कभी नहीं पड़ता कि आज तक आप कितने सफल हुए, लेकिन ये फर्क जरूर पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते थे क्या उतने सफल है अपनी जिंदगी, ये अकाउंट करता है।
कि जितने सफल आप अपनी जिंदगी में हो सकते थे क्या उतने सफल आज हुए या नहीं हुए। और एक चीज मैं और आपको बतानी चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिंदगी के अंदर जो लोग 1000 तक पहुंच सकते थे लेकिन 50 पे आके वो संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनको ये लगने लग जाता है कि भाई सामने वाला 10 कमा रहा है और मैं 50 कमा रहा हूं, अपनी जिंदगी में खुश हूं। अगर सच में आप 1000 कमाने की कैपेसिटी रखते हो तो आप 50 पे खुश हो गए हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर 1000 कमा सकते हो तो 1000 कमाने के लिए हमें भागना है। अगर हमारी कैपेसिटी 1000 कमाने की है तो हम 50 पे क्यों खुश हो रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं 50 पे? नहीं, ये देखकर कि सामने वाला 10 रुपए कमा रहा है इसीलिए हम रुक जाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले से तो हम अच्छे ही हैं। आपने, मैं गांव में रहने वाला एक लड़का हूं, हम आस पड़ोस में ये बातें सुनते हैं हमेशा कि जिसके घर में कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम अभी धान की कटिंग हुई है पंजाब के अंदर और धान की फसल को सेल हुआ है, जिन लोगों का धान थोड़ा सा ज्यादा उपज हुआ, जिनकी पैदावार ज्यादा होगी, तो वो पता क्या बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पड़ोसियों से तो ज्यादा ही हुआ है, ये गलत बात है। हो सकता था आपका और भी ज्यादा हो सकता था लेकिन आपकी संतुष्टि होगी। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी संतुष्टि नहीं करनी होगी। हमारी जितनी पावर है वो पूरी की पूरी पावर हमने लगा देनी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो दोस्तों, दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं वो मैक्सिमम तक पहुंचकर रुक जाती है, वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। उनका एक एरिया होता है कि वो इससे आगे नहीं जा सकती। एग्जाम्पल आपको फिर दोबारा से देना चाहता हूं कि एक दरख्त होता है, जो पेड़ होता है जिसे हम बोलते हैं, उसकी एक क्या होती है, एक सीमा होती है उसकी। पेड़ को जितनी ऊंचाई तक जाना है उतनी ऊंचाई तक जाकर वो रुक जाता है, जितना उसको फैलना है साइड पे जाना है तो उतना वो फैल जाता है, जितनी उसको डूंगाई में जाना है उतनी डूंगाई पे वो जाके रुक जाता है, जितना उसको फल देना है उतना फल देके वो रुक जाता है, जितने पत्तियां उसको लगनी है उतनी पत्तियां देके वो रुक जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी प्रजाति है इंसान जिसका कोई भी मैक्सिमम नहीं होता, जिसका कोई भी अंत नहीं होता, एक ऐसी प्रजाति है। अंत की बात करूं तो उस इंसान का अंत कहां पे रुक जाता है, इंसान कहां पे रुकता है, इंसान रुकता है उसके गोल से। अगर उसने गोल मान लिया कि मुझे जिंदगी में 5 लाख रुपए कमाना है तो उसकी 5 लाख तक मैक्सिमम रह जाती है। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग इंसान आते हैं तो वो उनकी मैक्सिमम बहुत बड़ी होती है। ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपकी मैक्सिमम कितनी बड़ी है। मेरे को एक आदमी ने बोला, सर कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं किसी को प्लान दे रहा था और उसने बोला सर कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा है भी नहीं है लेकिन मुझे जरूरत भी नहीं है। तो आपसे बात की मैंने कि जिन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, तो उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है सर, मुझे क्या करना। तो मैंने उसको बोला कि तेरा एक टारगेट होना चाहिए कि तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए। उसने बोला सर कि मैं तो आपको बोल रहा हूं कि मुझे तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, मुझे करना क्या है 100 करोड़ का टारगेट लेके। तो उस इंसान को मैंने बोला कि 100 करोड़ का टारगेट आपका होना चाहिए। उसने बोला सर कि ये बताओ कि 100 करोड़ का टारगेट क्यों होना चाहिए, मेरी जिंदगी में क्या जरूरत है पैसों की, मैं तो आज भी जिंदगी में खुश हूं, फ्री रहता हूं, आरामदारी से जिंदगी कट रही। तो मैंने उसको बोला बात 100 करोड़ कमाने की नहीं है, बात उसकी है जो 100 करोड़ कमाते कमाते जो प्रोडक्ट तू बनेगा, जो इंसान तू बनेगा, जो दुनिया को तू देखेगा, जो स्ट्रगल को तू देखेगा, जो खुशियां को तू देखेगा, उसकी जरूरत है 100 करोड़ का टारगेट आपको, मैं इसलिए दे रहा हूं। क्योंकि वो शख्स बिल्कुल फ्री था। और बहुत सारे लोग वहां पे क्या करते, अगर मेरी जगह पे कोई अदर और पर्सन होता तो वो सोचता कि चलो यार इसको तो पैसों की जरूरत नहीं, किसी और को प्लान करते। ऐसा नहीं करना। हमें नेटवर्क इंडस्ट्री में मेरे गुरुजी हमेशा बताते हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं मिस्टर गुरतेज सिंह जी बठिंडा, वो हमेशा मुझे बताते हैं इस बात को लेके कि सामने वाले की वाय क्लियर करनी है अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है। जब तक वाय क्लियर नहीं होगी तब तक आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को साइन नहीं कर सकते।
जब तक वाई क्लियर नहीं होगी तब तक आप ज्यादा करोड़पति पैदा नहीं कर सकते। जब तक लोगों की वाई क्लियर नहीं होगी तब तक आप अपनी कंपनी के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत बड़े टर्नओवर नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहली चीज वाई, किसी भी हाल में आप किसी को प्लान दे रहे हो, किसी भी जगह पे प्लान दे रहे हो, किसी को भी बता रहे हो, तो सबसे पहले उसकी वाई क्लियर करनी है। और आज से इस चीज के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो कि सामने वाले इंसान को जब हम प्लान देते हैं, जब हम उसको बताते हैं, तो उसकी सबसे पहली वाई क्लियर करने के लिए फोकस करना है। अगर आपने उसकी वाई क्लियर नहीं की तो वो इंसान कभी भी आपके साथ साइन नहीं होगा। उसको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट तेरी फैमिली के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है, आपकी इम्यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको बताना है ये बात। वो कहता है कि मेरी इम्यूनिटी ठीक है, तो उसको बोलना है कि तेरी फैमिली की इम्यूनिटी ठीक। उसको देखना कि ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी इम्यूनिटी आज ठीक है कल खराब नहीं हो सकती, इसीलिए आने वाले टाइम के लिए इसको खाना है। तो दोस्तों इसीलिए सबसे पहले आदमी की वाई क्लियर करनी भी जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप एक बड़ा काम करें, आप एक बड़ी टर्नओवर करें। तो इसीलिए मैं अगर बात करूं सबसे पहली चीज, एक और चीज आपको एक स्टोरी बतानी चाहता हूं, छोटी सी एक स्टोरी है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप एक चीज देखोगे सर कि जिंदगी के अंदर इंसान जैसा सोचता है वैसा उसको मिलता है। जो जिस नजर से आप देखते हो उसी नजर से सामने वाली चीजें आपको मिल जाती है। बात करता हूं, काफी लंबे टाइम पहले की बात है, किसी पुराने जमाने की बात है, कि रामदास नाम का एक आदमी रामायण लिख रहा है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक आदमी रामायण लिख रहा था। और बहुत सारे लोग आज यहां पे बैठे हैं कि हम मानते हैं कि परमात्मा आज भी जिंदा है दुनिया के। हम हमेशा बोलते हैं कि कण कण के अंदर परमात्मा रहता है, उसका वास है। हम हमेशा बोलते हैं कि ऊपर वाला हमें देख रहा है कि हम जो गलत करते हैं वो हमें भुगतना पड़ेगा, जो हम सही करते हैं तो उसके लिए हमें क्रेडिट मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। ये बातें सब हम मानते हैं। तो जब वो इंसान रामायण को लिखता, तो रामायण लिखने के बाद वो शख्स जितनी रामायण लिखता उतनी रामायण वो लोगों को सुना देता था पढ़कर कि मैंने ये लिखा है, इस तरीके से हमारी जो रामायण है वो कंप्लीट हो जाएगी और मेरा रिहर्सल भी हो जाएगा कि मैं सही निकला हूं गलत, राइट। तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि आप सबको पता है कि आज भी भगवान दुनिया के अंदर है। तो उसी जब हनुमान जी को पता चलता है कि कोई इंसान कलयुग के टाइम में रामायण लिख रहा है, तो वो हनुमान जी वहां पे उस शख्स की, रामदास की रामायण सुनने के लिए हर दिन आते और हर दिन सुनते। उनको वैसे ही पूरे का पूरा सीन, जैसे हम किसी थिएटर में जाते हैं तो हमें पिक्चर देखते हैं हम, तो सामने हमें सब कुछ अपने आप दिखता रहता है हमारे माइंड के। तो उसी तरीके से जब हनुमान जी सुनते इस रामायण को, जो आदमी लिखता था वो रामदास, वो सुनाता था जितना, वो हर दिन उतना सुनते, तो उनको पिछली जो यादें हैं वो आ जाती थी कि हाँ ये ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, सब चीजों की कल्पना करता और वो बहुत एक्साइटेड होता, बहुत मजा आता हनुमान जी को। तो एक दिन क्या हुआ कि वो इंसान सुनाने के लिए जब सुना रहा था रामायण को, तो उसमें उसने बोला कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत व्हाइट कलर के फूल खिले होते, बहुत ही खूबसूरत फूल पूरे वाटिका के अंदर। तो उस टाइम क्या हुआ, हनुमान जी खड़े हुए और कंबली की उन्होंने जो पोथी मारी हुई थी अपनी, कंबल लिया हुआ था ऊपर, तो उन्होंने बोला कि रुको ये गलत है। उन्होंने बोला क्या गलत है, उन्होंने बोला कि वहां पे जो फूल थे वो उस टाइम रेड कलर के थे, लाल रंग के फूल थे, चिट्टे रंग के नहीं थे, व्हाइट रंग के नहीं थे। तो उन्होंने बोला जब चिट्टे रंग के फूल नहीं थे वहां पे तो आपको कैसे पता है भाई आप कौन, उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि सर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि वहां पे उस टाइम में जो कलर था, जो फूलों का रंग था वो चिट्टा था, व्हाइट था उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि नहीं उस टाइम रेड था। तो उसने बोला कि इसका आप क्या करें फिर, आपको आपको कैसे प्रूव करेंगे। उसने बोला सर कि जब कंबली उतारी हनुमान जी ने, तो उनको उन्होंने बताया कि मैं खुद ही था और इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ, स्वयं गुरु जी के पास जाना पड़ेगा, हमें श्री राम जी के पास जाना पड़ेगा, वो आपको बताएंगे कि फूल कैसे थे। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि आ जाओ
मेरे कंधे पे बैठो। और हनुमान जी उनको श्री राम जी के पास ले गए। जब श्री राम जी के पास वो ले गए तो उन्होंने राम जी को बोला कि राम जी प्रणाम आपको, आप इनको बताइए कि जब मैं माता के पास गया था सीता माता को लेने के लिए, जब मैं गया था अशोक वाटिका में, तो उस टाइम फूल फूल थे जो वो लाल रंग के थे। तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या हुई? उन्होंने बोला कि ये रामदास नाम का एक इंसान है, ये रामायण लिख रहा है, सब कुछ उसने सही लिखा, बहुत मैंने बहुत एक्साइटमेंट में सुना और पूरी बातों को मैंने इंप्लीमेंट भी किया, अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसने ये गलत लिख दिया। उन्होंने बोला फिर क्या हो गया? तो व्हाइट कलर के, तो आपने आप वहां पे गए क्यों, आपने बाधा क्यों डाली इनके काम में? तो उन्होंने बोला कि भगवान आने वाली जनरेशनों को गलत मैसेज चला गया। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर ये व्हाइट कलर के बोलते हैं तो उनको व्हाइट कलर के चिट्टे रंग के फूल बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होगा। उन्होंने बोला क्या बताओ, मैंने बोला था व्हाइट कलर के फूल थे, आप बोल रहे हो रेड कलर के फूल है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ये चीज नहीं होगी साबित, आप मेरे कंधे पर बैठो, हम स्वयं माता जी के पास जाते हैं, माता सीता के पास। और माता सीता के पास जैसे वो गए, उन्होंने वहां पे बताया कि माते ये वो इंसान है जो रामायण लिख रहा है, इसका नाम है रामदास। तो उन्होंने बोला फिर ये तो अच्छी बात है, कलयुग में कोई आदमी रामायण लिख रहा है। तो उन्होंने बताया माता जब आप वहां पे थे, जब मैं वहां पे पहुंचा था, तो उस टाइम जो फूल थे वो लाल रंग के थे। तो माता ने बोला नहीं, मैं वहां पे एक साल रुकी हूं, मुझे पता है कि वो फूल थे जो वो चिट्टे रंग के थे। उसने बोला नहीं माता, वो लाल रंग के थे। उसने बोला हनुमान जी मैं वहां पे एक साल थी, इसलिए मुझे आपसे ज्यादा पता है कि फूल चिट्टे रंग के थे। उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला कि जब आप वहां पे गए थे तो आप बहुत ज्यादा क्रोधित थे, आपको ऐसे लगता था कि मैं सबको काट डालूंगा और मैं अपनी माता को यहां से ले जाऊंगा, तो आपकी आंखों में खून आया हुआ था, उसमें आपकी आंखों में खून झलक रहा था, तो इसीलिए आपको फूल थे वो जो लाल दिख रहे, वो फूल रियल में कितने थे? वो व्हाइट थे, चिट्टे फूल थे। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप जिस भी नजर से अपनी अपलाइन को देखते हो वैसा ही होगा, आप जिस भी नजर से अपनी डाउनलाइन को देखते हो, अपनी अपलाइन को देखते हो वैसा ही होगा, आप जिस भी निगाह से अपने सिस्टम को समझते हो वैसा ही आपको देखेंगे, जैसा भी आप देखोगे वैसा ही आपको देखेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा अच्छा देखना है, अच्छा सोचना है, अपने समाज के लिए अच्छा सोचना है, अपनी अपलाइन के लिए अच्छा सोचना है, और सबसे ज्यादा अपनी कंपनी के लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि वो कंपनी किसी और की नहीं, वो कंपनी आज आपकी है, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसीलिए हमेशा अच्छा सोचने का जो कामना करनी है दोस्तों आपको। और उसके बाद एक छोटी सी और मैं बात आपको सुनाना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों तब रहो, आप तब रहना नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से मोहब्बत है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से आपको मोहब्बत नहीं, मैं अभी कहता हूं कि छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन जो भी काम आप करो उससे आपको मोहब्बत होनी चाहिए। काम ऐसा करो कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो आने वाले 2-3 साल 4 साल के अंदर उस कंपनी में आप टॉप 10 में हो। हमेशा मेरे पापा बोला करते थे हमेशा कि जो भी काम तू करेगा, चाहे आप कारों का मिस्त्री बन जाओ जो कार रिपेयर करते हो, वो भी टॉप 1 में रहना चाहिए या टॉप 10 के अंदर रहना चाहिए। अरे कटिंग वाला बन जा लेकिन तुम्हें टॉप 10 के अंदर रहना, साला कोई दूसरा बोल ना पाए कि इससे ज्यादा कोई अच्छी कटिंग कर। कपड़ा सीने वाला बन जाओ लेकिन लोग वेटिंग में रुको, अपनी मैरिज की डेट पीछे कर दे लेकिन वो सोचे कि अगर सिलाई करानी है तो इससे कराओ। तो दोस्तों जिंदगी में हमेशा कोई भी काम, वो काम करना है जिससे आपको मोहब्बत है, जिसपे आपको विश्वास है कि ये काम बहुत अच्छे से मैं कर सकता हूं, और जिससे आपको मोहब्बत है जिस काम से, वो काम अगर आप करोगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका नाम टॉप 10 के अंदर है। मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री से मोहब्बत है, मैं पिछले 20 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री से मोहब्बत कर रहा हूं, लेकिन जो 9 मंथ के अंदर मेरे साथ हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री में, जो 2 मंथ में मेरी जिंदगी चेंज हुई, वो मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार और हो गया। जब आपका हार्डवर्क बढ़ता है, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आपका प्यार भी, आपकी मोहब्बत भी ज्यादा बढ़ जाती है।
और एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों आखिर में, आप मैं आखिरी बात बोल के अपनी वाणी को बराम दूंगा। जिंदगी में कुछ करना है तो मोहब्बत करो अपने काम से, अपनी अपलाइन से, अपनी कंपनी से और अपनी डाउनलाइन के अंदर, जो भी लोग आपके साथ फेथ करके ट्रस्ट करके हैं। जिंदगी में कभी भी उन लोगों को मत छोड़ के भागना जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। कहते हैं कि एक बद्दुआ इंसान की जिंदगी खाक कर देती है और एक दुआ आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। इसीलिए कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी है। जिसके साथ आप आए हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, रिनेटस वेलनेस में आप आए थे, रिनेटस वेलनेस में आप लोगों को लेके आए थे, उनको छोड़ के आज आप भाग रहे हो, तो परमात्मा को ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता कि आप किसी के सपने को खत्म करो। कहते हैं कि इंसान इंसान से मर जाना, इंसान जब मर जाता है उससे भी ज्यादा मर जाना खतरनाक होता है किसी के सपनों का मर जाना। दुनिया से जो इंसान चला गया वो चला गया, लेकिन जो इंसान यहां पे जिंदा है, अगर वो इंसान के सपने मर गए आज, वो इंसान के सपने आपने खत्म कर दिए, तो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगा लास्ट में आपको, जो शेर होता है ना दोस्तों वो अपने बच्चों की परवरिश करता है, और जो कुत्ता होता है ना दोस्तों वो अपने बच्चों को पालता है। और शेर की अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं आपको, शेर और शेरनी और उसका एक छोटा सा बच्चा एक बार किसी झरने के पानी को क्रॉस कर रहे थे, शेर भी चला गया, शेरनी भी चली गई और उसका बच्चा वहां से डर के वहां पे रुक गया। तो शेर को शक होने लगा शेरनी के ऊपर कि ये मेरा बच्चा नहीं है, अगर शेर का बच्चा होता तो आगे चला जाता। उसके बाद उसने दूसरा ऑप्शनली सोचा कि अगर ये आज डर गया तो जिंदगी में कल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसको क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। और शेर ने उसको पंजा मारा और बच्चे को मार दिया, खत्म कर दिया। और दोस्तों आपको भी कमांडो ट्रेनिंग क्या बना रही है, शेर का बच्चा बना रहे हैं ऋषिकेश पाठक का। कमांडो ट्रेनिंग आपको शेर का बच्चा बना रही है, आज आपको शेर के बच्चे की तरह दहाड़ना है। पूरे इंडिया में आप जहां भी जाके दहाड़ोगे तो पता चलेगा कि रिनेटस वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा है। मेरा आपसे वादा है इस कमांडो ट्रेनिंग को कंटिन्यू, आप इस कमांडो ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहें। और टाइम टू टाइम जितने भी लोग लीडर्स यहाँ पे आके गए हैं, मेरे से तो सभी लीडर अच्छे हैं, मैं अपने आप को अच्छा लीडर नहीं मानता अभी, क्योंकि मैं अभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री को सीख रहा हूं, मैं भी सबको सुनने के लिए हर दिन यहाँ पे आता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज आप YouTube के ऊपर जो सेशन अभी लाइव चल रहा है उसको कमेंट करके